आप मेरे न्यू अपडेट को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। You must like, share, comment and subscribe my channel to see my new updates. Thank you. हस्सू हदू खान नामक गायक को ग्वालियर घराने का स्तंभ माना जाता था। इनमें हस्सू बड़े थे और हदू छोटे। ग्वालियर गायक हस्सू खान के समय से प्रसिद्ध हुए और इसका श्रेय प्रतिभाशाली गायक हस्सू खान को जाता है। इसलिए आज भी हर संगीतकार उन्हें श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखता है। आपके पिता का नाम कादिर बख्श और पितामह का नाम नथन पीर बख्श था। वे लोग लखनऊ में रहते थे। हस्सू खां की बाल्यावस्था में ही उनके पिता कादिर बख्श की मृत्यु हो गई। अतः उनका पालन पोषण उनके बाबा नथन पीर बख्श ने किया। वे लखनऊ छोड़कर ग्वालियर जाकर बस गए, जहां ग्वालियर घराने का सूत्रपात हुआ। इस घराने का प्रारंभ नथन पीर बख्श से ही माना जाता है। जिस समय वे लोग ग्वालियर पहुंचे, श्री दौलतराव शिंदे तत्कालीन ग्वालियर राज्य के शासक थे। वे स्वयं बड़े कला प्रेमी थे। उनके दरबार में अनेक संगीतज्ञ थे, जिन्हें राजा श्रेय प्राप्त था। उन्होंने नथन पीर बख्श और बाद में हस्सू हद्दू खां को राजा श्रेय दिया। हस्सू खां जितने प्रतिभावान व्यक्ति थे, उनका कंठ भी उतना मधुर और आकर्षक था। इसलिए दरबार में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और अन्य कलाकारों की अपेक्षा उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। दरबार में मोहम्मद खां नामक एक प्रौढ़ गायक थे। वे अपना गायन हस्सू हद्दू खां को किसी भी कीमत पर नहीं सुनाना चाहते थे। उन्हें भय था कि उनकी गायकी को वे लोग चुरा लेंगे और हुआ भी ऐसा। महाराज की आज्ञा से लगभग वे लोग 3 महीने तक लगातार उनकी गायकी सुनते रहे। यह अवधि प्रतिभावान कलाकारों के लिए कम नहीं थी। उन लोगों ने मोहम्मद खां की गायकी से मुख्य बात चुन ली और अपने कंठ में ढाल ली। महाराजा को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि अब उन्हें मोहम्मद खां की गायकी को अधिक सुनाने की आवश्यकता नहीं रही और इन लोगों ने उनकी गायकी का पूरा सार निकाल लिया है। महाराज ने संगीतज्ञों की एक विशेष सभा आयोजित की और राज्य के सभी कलाकारों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित किया। सदा की भांति मोहम्मद खां का गायन हुआ और सभी ने उसकी तारीफ की। उनके बाद उन दोनों भाइयों को गाने के लिए कहा गया। दोनों ने खूब जमकर गाया और अपनी गायन शैली में मोहम्मद खां की गायकी का ऐसा समन्वय किया कि उपस्थित श्रोता दांतों तले अंगुली दबाकर रह गए। दरबार में उन दोनों की मान प्रतिष्ठा बढ़ गई और मोहम्मद खां की कम हो गई। फलस्वरूप वो हस्सू हद्दू खां से मन ही मन जलने लगे और बदला लेने की योजना बनाने लगे। कहते हैं कि एक दिन फिर से संगीत सभा आयोजित की गई। सभी संगीतज्ञ एकत्रित हुए। मोहम्मद खां बदला लेने की भावना से खां बंधुओं की प्रशंसा करते हुए उनसे राग मियां मल्हार गाने को कहा। वे बेचारे गाने लगे। वह यह नहीं जानते थे कि इस फरमाइश में कोई षड्यंत्र छिपा है। आप मेरे न्यू अपडेट को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। You must like, share, comment and subscribe my channel to see my new updates. Thank you. कहते हैं कि मियां मल्हार में एक विशिष्ट प्रकार की तान ली जाती थी, जिसे कदक बिजली की तान कहते थे। तान तो क्लिष्ट थी ही, उसे निकालने में कलेजे में बड़ा जोर पड़ता था। साधारण व्यक्ति के लिए उसे केवल एक बार निकालना मुश्किल था। हस्सू खां बड़े हष्ट पुष्ट युवक थे। उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ एक बार गा दिया। मोहम्मद खां तो बदला लेने पर आमादा थे ही। उसने उनकी प्रशंसा करते हुए एक बार और गाने के लिए अनुरोध किया। हस्सू खां अपनी तरुणावस्था के जोश में उसे निकालने लगे।
कहते हैं कि जब अवरोह करने लगे तो उनकी पसली चढ़ गई और मुंह से खून निकल पड़ा। उस घटना के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु सन 1859 के लगभग हो गई। उनकी मृत्यु से मुहम्मद खां के अतिरिक्त सभी लोग बड़े दुखी हुए। हद्दू खां अकेले रह गए। उनकी जोड़ी टूट गई। वे विक्षिप्त रहने लगे। कुछ दिनों के बाद हद्दू खां और महाराजा से कुछ अनबन भी हो गई। भाई से बिछड़ने से और महाराजा से अनबन से वे ग्वालियर छोड़कर लखनऊ में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद ग्वालियर नरेश से उन्हें पुनः बुला लिया और तब से वे जीवन पर्यंत वही रहे। महाराजा ग्वालियर हद्दू खां से बहुत स्नेह करने लगे और जब कहीं यात्रा में जाते उन्हें अपने साथ ले जाते। यात्रा में उनका गायन होता और वे संगीत का आनंद लेते। महाराज जी की यात्रा के दौरान कलकत्ता और पूना में अनेक संगीत कार्यक्रम हुए और हद्दू खां को बड़ी प्रशंसा मिली। राग ललित, तोड़ी, यमन, मालकोश, दरबारी, कान्हा आदि राग उन्हें बहुत प्रिय थे। यद्यपि कि उनका कंठ हद्दू खां के समान मधुर नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी परिश्रम और साधना द्वारा उसे बड़ा आकर्षक बना लिया था। वे तीनों सप्तकों में तैयारी, सफाई और सुरीली आलाप तान भरते वे ख्याल को भरने में अद्वितीय थे। हद्दू खां के केवल एक पुत्र था। हद्दू खां की दो शादियां हुई थी। पहली से दो पुत्र मोहम्मद खां और रहमत खां हुए और दूसरी से दो कन्याएं हुई। पहली पुत्री का विवाह इनायत खां से और दूसरी का विवाह बीनकार बंदे अली खां से हुआ। वृद्धावस्था में हद्दू खां के नीचे का भाग शिथिल हो गया था। जब वे दरबार में गाने जाते तो लोग उन्हें उठाकर ले जाते। सन 1875 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके निधन से ग्वालियर नरेश बड़े दुखी हुए और एक हफ्ते तक मौन रहे। आप मेरे न्यू अपडेट को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। You must like, share, comment and subscribe my channel to see my new updates. Thank you.